सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेरे चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आप अगर चैनल पे नए हैं तो और आपने ऊप्स की या ऑपर्चुनिटी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो पहले वो जाके चेक करो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 4 और 5। आई थिंक इट्स हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर 5। ठीक है, 4 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं तो आप जाके चेक करो। उसके बाद हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से पहले हमको समझना पड़ेगा कि प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस अपने पास 2 टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कॉपरेटिव प्रोसेस, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। अब होता क्या है, मान लो एक प्रोसेस P1 चल रहा था, ठीक है, एक प्रोसेस P2 चल रहा था। अब अगर इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, ये दोनों रिलेटेबल ही नहीं है, मतलब ये कहीं अलग काम कर रहा है, ये प्रोसेस कोई अलग काम कर रहा है, ठीक है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। बट अगर दोनों रिलेटेड है, रिलेटेड है इन टर्म्स, दोनों किसी सेम टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे क्या प्रोसेस है, कोऑपरेटिव प्रोसेस है या इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो प्रोसेस को अगर बात करें तो प्रोसेस जो है 2 टाइप्स के हो जाएंगे हमारे सामने। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोऑपरेटिव प्रोसेस। अब इंडिपेंडेंट में क्या होगा, दोनों डिपेंडेंट नहीं होंगे, और कॉपरेटिव में क्या होगा, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट होगा, उसके एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट होगा। अब ये समझते हैं कि कॉपरेटिव और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजेशन को कब चाहिए रहेगा, मतलब दो लोग सिंक कब करते हैं ये समझो। एक अगर एक बंदा है वो किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक बंदा है वो किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या उनको सिंक करना जरूरी है, नहीं। सिंक कब करता है आप देखते हो कि DSM होती है, डेली स्टैंड अप मीट, जिसको बोलते हैं सिंकिंग मीट। ठीक है, वो क्या करते हैं, सारे टीम वाले एक साथ सिंक करते हैं, देखते हैं कि अच्छा किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन किस लेवल पे चल रहा है, ठीक है, सिंकिंग होती है। तो सिंकिंग कब होती है, जब सेम चीज पे काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब सिंक्रोनाइजेशन को कब चाहिए रहेगा, कॉपरेटिव प्रोसेस वाले सीन में चाहिए रहेगा, कि हमको सिंक करना है दोनों प्रोसेस को, कि दोनों प्रोसेस ऐसे चलें कि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, प्रॉब्लम समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो कॉपरेटिव प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन अचीव करते हैं। इंडिपेंडेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिपेंडेंट को हम छोड़ देते हैं, ये अपना मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपरेटिव प्रोसेस। कॉपरेटिव प्रोसेस में सबसे पहली जो इश्यू आता है, दैट इज रेस कंडीशन। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि रेस कंडीशन क्या होता है। कॉपरेटिव प्रोसेस की बात करें तो कॉपरेटिव प्रोसेस का मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन अनदर, बट इंडिपेंडेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ वन डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब बात करें कॉपरेटिव में कैसे डिपेंड करेगा, तो उसमें क्या होगा, वो कुछ ना कुछ चीज शेयर कर रहे होंगे। जैसे आप लोग अगर सिंक कर रहे हो तो सिंक का मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, टीम शेयर कर रहे होगे, इसीलिए आप सिंक कर रहे हो, इस जो है चीजें ओवरलैप ना हो, चीजों में प्रॉब्लम ना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है शेयर समथिंग। शेयर समथिंग क्या हो सकता है, दो प्रोसेस वो क्या कर सकते हैं, सेम मेमोरी यूज कर सकते हैं, सेम रिसोर्स यूज कर सकते हैं, सेम सीपीयू, रिसोर्स और सीपीयू आप एक ही टर्म से समझो, रिसोर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं कॉपरेटिव प्रोसेस में। अब हम लोग समझते हैं कि रेस कंडीशन क्या होती है, क्योंकि कॉपरेटिव प्रोसेस में जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं रेस कंडीशन। क्या प्रॉब्लम होती है रेस कंडीशन, और कैसे उसको रिजोल्व करते हैं सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रेस कंडीशन क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो एक शेयर्ड वेरिएबल लिया है, इंट शेयर्ड इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसमें मैंने एक कॉमन वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने क्या डाल दिया, वैल्यू 5 डाल दी। ठीक है, अब दो प्रोसेस क्या है, उस शेयर्ड वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, सेम वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, आप बोल सकते हो सेम मेमोरी लोकेशन को भी आप बोल सकते हो यूज कर रहे हैं तरीके से। तो इन्होंने क्या करा, एक शेयर्ड वेरिएबल लिया, ठीक है, उसको वाई में डाल दिया। ठीक है, मान लेते हैं पहले प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया, ये ऑर्डर था कि पहले P1 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहले P1 एग्जीक्यूट हुआ, शेयर्ड वेरिएबल कहां चला गया, वाई में चला गया। अब वाई हमने क्या किया, वाई यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कर दिया, वाई इंक्रीमेंट हो गया। तो वाई इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या हो गया, वाई इंक्रीमेंट होने के बाद हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या चला दिया, स्लीप चला दिया। अब स्लीप चला दिया तो ये प्रोसेस P1 जो स्लीप में चला गया, तो उसी टाइम पे जब प्रोसेस P1 स्लीप पे गया, P2 प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने लगा। ठीक है, अब P2 प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होने लगा तब क्या हुआ, हमने देखा कि शेयर्ड वेरिएबल क्या है, अभी शेयर्ड वेरिएबल तो अभी भी 5 है। ठीक है, हमने क्या किया, उसको एक्स में डाल दिया, एक्स यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। फिर हमने क्या किया, एक्स माइनस माइनस, अब एक्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होके एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। अब ये प्रोसेस फिर से स्लीप में चला गया, यहां पे मैंने स्लीप कॉल कर दिया, अब ये प्रोसेस स्लीप में चला गया। अब जब P2 प्रोसेस स्लीप में गया है, तब तक हो सकता है P1 प्रोसेस स्लीप से बाहर आके फिर से P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लग जाए। चलो ठीक है, एग्जीक्यूट होने लग गया। तो हमने देखा कि शेयर्ड वेरिएबल इज इक्वल टू वाई, शेयर्ड वेरिएबल इज इक्वल टू वाई मतलब शेयर्ड में क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा। और जब बाद में P2 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो शेयर्ड वेरिएबल में क्या डालेगा, 4 डालेगा। ठीक है, उसके बाद शेयर्ड में क्या चला गया, 4 चला गया। अब प्रॉब्लम क्या आई, फाइनल जो वैल्यू शेयर वेरिएबल में गई वो P2 वाले की गई। ठीक है, बट P1 वाले की जो वैल्यू थी 6 वो चली गई, वो नहीं रही वहां पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि रेस कंडीशन इसी को बोलते हैं, कि एक बंदे ने एक प्रोसेस में जो टास्क करा वो गायब हो गया। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड द रेस कंडीशन। सो सिंक्रोनाइजेशन समझने से पहले हमको देखना पड़ेगा क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के मायने क्या होते हैं और कैसे क्या यूज होता है, ठीक है। मायने तो वो एकदम पोएट्री से आ जाता है, मायने और ये सारी चीजें, ठीक है, वहां से आ जाता है, कभी कभार मैं वो भी करता हूँ, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। ओके, सो अब बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन की। क्रिटिकल सेक्शन की, सो क्रिटिकल सेक्शन में बोला गया है, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस बाय द वेरियस प्रोसेस, ठीक है, शेयर्ड रिसोर्स है एक कोई, ठीक है। अब वो जो शेयर्ड रिसोर्स है, ये एक कोई P1 या कोई R1 करके रिसोर्स था, अब इसको मल्टीपल प्रोसेस जो है उसको चाहिए, मल्टीपल प्रोसेस को ये सेम रिसोर्स चाहिए, ठीक है, P1 को भी चाहिए, P2 को भी चाहिए, तो अब हो जाएगा, होगा क्या, अब हमको सिंक्रोनाइजेशन बिठाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस कंडीशन आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे होना करना है अपने को, ठीक है। तो मान लो एक अपना कोड था, ये पूरा एक कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला तो एक ऐसा जो एंट्री सेक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है, जो जो फाइनल जो कोड होगा, जो स्टार्टिंग का कोड होगा, जिसको मतलब बेसिकली कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं ये जो कोड है ये क्रिटिकल, इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन कैसे बोलते हैं, देखो अब ये जो क्रिटिकल सेक्शन वाला कोड है वो एक से ज्यादा प्रोसेस यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब P1 प्रोसेस आया, ठीक है, उसका कुछ 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 कोड था, उसके बाद यहाँ पे जो कोड है वो ये क्रिटिकल सेक्शन वाला कोड है, ठीक है। फिर P2 प्रोसेस था, उसमें कुछ 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 लाइनें थी, उसके बाद ये जो कोड या जो मेमोरी या लोकेशन है, जो भी चीजें यूज कर रहा था, रिसोर्सेज यूज कर रहा था, वो ये क्रिटिकल वाली थी, ठीक है। अब दोनों क्या है, सेम चीज को चाहते हैं, अब दोनों सेम चीज को चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन बैठाना पड़ेगा कि भाई जब तुम यूज करो तो तुम भाई ना आओ, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों सेम टाइम पे यूज करने लगे, दोनों ने कुछ कुछ वैल्यू चेंज करी, फिर फाइनली क्या होगा, एक ही की वैल्यू हम वहां पर रख पाएंगे, राइट। तो ये होता है क्रिटिकल सेक्शन में कैसे सिंक्रोनाइजेशन अचीव करते हैं। अब अचीव करने का तरीका क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लाते हैं एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन का। क्रिटिकल सेक्शन मान लो ये कॉमन सेक्शन है, उसके ऊपर का जो सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एंट्री सेक्शन, उसके जो नीचे का सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एग्जिट सेक्शन। तो ऊपर जो हो गया उसको हम बोले एंट्री सेक्शन, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोसेस आएगा तो उसको पहले तो ये एंट्री सेक्शन वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट करना होगा, उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकेगा, और जब भी वो उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा तब उसको वो एग्जिट सेक्शन वाला कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, उससे सिंक्रोनाइजेशन मिलता है। कैसे मिलता है वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी जो स्टेप्स हैं या मेथड्स हैं, बेसिकली क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए, अभी हम वो पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम लोग वो मेथड्स पढ़ेंगे जिससे सिंक्रोनाइजेशन अचीव करते हैं। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की। सिंक्रोनाइजेशन अचीव कैसे करना है, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए टू गेट और अचीव सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चार कंडीशन लिख रखी है, एक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है प्रोग्रेस, थर्ड है बाउंडेड वेट, और फोर्थ है नो अजम्पशन अबाउट द हार्ड फेल, ठीक है। तो जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है और प्रोग्रेस होता है, ये दो जो होती है दैट इज प्राइमरी, ये फुलफिल होनी ही होनी चाहिए, अगर ये फुलफिल नहीं है तब तो आप सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं कर सकते हो। बट ये जो दो एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये सेकेंडरी कंडीशन, ये अगर अचीवेबल नहीं होती है या ये वहां पे नहीं होती है, तब भी हम बोल सकते हैं कि हाँ इट इज सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि चार कंडीशंस क्या होती हैं। तो ये हो गई अपनी सेकेंडरी, ठीक है, ये दोनों हो गई सेकेंडरी, और जो ऊपर वाली दोनों हो गई दैट इज प्राइमरी, मतलब वो फुलफिल होनी जरूरी है, ठीक है। चार कंडीशन हो गई, पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैं एक बार बाय वर्ड बता देता हूँ, फिर मैं उसके बाद प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। तो काउंट ऑन अ फिंगर ट्री, बिल्कुल भूलना नहीं है, एक बार भूल गए तो दोबारा याद कर लेना, दोबारा भूल गए तो तिबारा याद कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक बार बस, एक बार क्या है, जो आपका वर्ड है ना, आप वर्ड को दिमाग में रखो कि वर्ड से आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अच्छा इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, तो दूसरा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन के लिए नहीं आना चाहिए वहां पे, ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकेंड होता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या बोलता है, बेसिकली कि अगर कोई एक एग्जीक्यूट हो रहा है तो बाकी जो प्रोसेस हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं उनसे इस प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कि वो एग्जीक्यूट बेसिकली एग्जीक्यूट हो रहा है तो उनसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये होता है प्रोग्रेस, मतलब इसकी प्रोग्रेस को वो बाउंड ना करें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। थर्ड होता है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट क्या होता है, अब मान लो एक प्रोसेस है, अब यहाँ पे बात आ जाती है प्रायोरिटी की, ठीक है। आपने लास्ट वीडियो में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखा होगा, वहां पे हमने बात करी थी प्रायोरिटीज की, ठीक है, कि कब कौन सा प्रोसेस आया है, किस प्रायोरिटी में है, किसकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के हिसाब से हम क्या प्रायोरिटी देंगे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो बाउंडेड वेट उसी से थोड़ा सा रिलेटेबल भी आप बोल सकते हो। तो मान लो कि एक प्रोसेस है उसकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है, तो जब भी वो बार बार एग्जीक्यूट होने के लिए आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी की वजह से उसी को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, बाकी जो प्रोसेस है ना उसमें क्या जाएगी, स्टार्वेशन की कंडीशन आ जाएगी। स्टार्वेशन मतलब भुखमरी, ठीक है,
जो इंडिया में शायद नहीं आई थी, अल्फेक्ट एक बार यूएस में बहुत पहले आई थी, स्टार्वेशन भुखमरी, ठीक है। तो स्टार्वेशन की कंडीशन आ जाएगी, मतलब प्रोसेस जो है वो क्या करेंगे, बेसिकली स्टाफ करेंगे जो है सीपीयू या उस रिसोर्स के मिलने के लिए, ठीक है। तो हमको स्टार्वेशन की कंडीशन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाउंडेड वेट लगाएंगे। बाउंडेड वेट क्या होता है, बाउंडेड वेट ये कहता है कि भाई एक अपर लिमिट डिसाइड कर दो प्रोसेस की, इतनी बार वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि अगर आप अपर लिमिट एग्जीक्यूट नहीं कर, अपर लिमिट नहीं डिसाइड करेंगे तो क्या होगा, बार बार एग्जीक्यूट करेगा, बार बार एग्जीक्यूट करेगा, तो इससे होगा अदर जो प्रोसेस है उनको चांस नहीं मिलेगा। तो बाउंडेड वेट वो होता है कि अपर लिमिट डिसाइड करना। फोर्थ जो है, नो अजम्पशन अबाउट द हार्डवेयर। तो अब प्रोसेस में क्या होता है, हार्डवेयर की कोई अजम्पशन नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि नो अजम्पशन अबाउट द हार्डवेयर, हार्डवेयर की कोई अजम्पशन नहीं होनी चाहिए सिंक्रोनाइजेशन के टर्म्स में, ठीक है। अब हम लोग इनको प्रॉपर इन डेप्थ समझते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो भी मैकेनिज्म थे, उससे पहले हम सिंक्रोनाइजेशन की डेफिनेशन भी देखते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है, वो क्या कहता है कि इट्स अ टेक्निक विच इज यूज टू कॉपरेट द प्रोसेस दैट यूज शेयर डेटा। तो जो शेयर डेटा यूज कर रहे हैं या शेयर मेमोरी यूज कर रहे हैं, शेयर रिसोर्स यूज कर रहे हैं, तो उनको कॉपरेटिव जो है सिंक्रोनाइजेशन अच्छी, कॉपरेटिव प्रोसेस जो है कॉपरेट करने के लिए, कि साथ में एक सिंक मैनर में चलें, उससे कोई रेस कंडीशन ना जनरेट हो, उसके लिए हम लोग सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए चार कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा लिख के रखा है कि देखो, जब एक सीएस में होता है, मतलब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, सो दूसरा जो कोई भी प्रोसेस होगा दैट कैन नॉट एंटर टू द क्रिटिकल सेक्शन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन या इसकी एक छोटा सा मार्किंग या इसकी बात करें, सो इफ वन प्रोसेस इज इन द क्रिटिकल सेक्शन देन वो अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। उसके बाद जो हम लोग का आता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस क्या होता है, देखो तो प्रोग्रेस की बात करें, प्रोग्रेस ये है कि इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन एंड सम अदर प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन द क्रिटिकल सेक्शन, सो विदाउट एनी डिले जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको हम क्रिटिकल सेक्शन दे दें एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। ये होता है प्रोग्रेस। तो जो यूज नहीं कर रहा है वो इस चीज को हिंडर ना करें, यहाँ पे ये चीज आती है प्रोग्रेस में। उसके बाद जो थर्ड आता है दैट इज बाउंडेड वेट, वो मैंने पहले ही बताया था कि अपर लिमिट डिसाइड कर देना कि कोई भी प्रोसेस कितनी बार एग्जीक्यूट कर सकता है ना क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज द हार्डवेयर और स्पीड के, जो भाई कोई भी एजम्पशंस नहीं करेंगे हम इन सब चीजों के लिए, ठीक है। सो ये चार चीजें थी जो आपको अचीव करनी पड़ेंगी, टू बेसिकली चार चीजें होनी चाहिए टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है वो मैंने बताया, एंट्री सेक्शन क्या होता है, एग्जिट सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। अब एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए कोड्स होते हैं कई सारे कि एंट्री सेक्शन क्या होगा, एग्जिट सेक्शन क्या होगा, ठीक है, कब प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, सो दैट की सिंक्रोनाइजेशन ना, मतलब सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो और ये सारी चीजें रेस कंडीशन वाली चीजें ना आए, ठीक है। तो मैंने चार कंडीशंस बता दी। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे कि दो टाइप्स का होता है, बिजी वेटिंग, नो बिजी वेटिंग। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेमाफोर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे पीटरसन सॉल्यूशन क्या होता है। इवन मेरे भी इंटरव्यूज में जो है ये चीज पूछी गई थी कि बेसिकली आपको बताना है सिंक्रोनाइजेशन के रिलेटेबल क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फर्दर वीडियोज में कन्फ्लिक्ट और बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं करा, तो यार लाइक करो इस वीडियो को, ठीक है, शेयर करो। और जितना जल्दी जितना ज़्यादा लाइक करोगे शेयर करोगे, उतना मेरे को मोटिवेशन आता है कि सर्च प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करो, जल्दी से खत्म कर दो। क्योंकि मेरे बहुत सारे मेरे जूनियर्स ने और बहुत सारे इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मेरे को बहुत सारे मैसेज किया, बोले कि भाई खत्म करो, तो इसको उड़ा देंगे अपन, ठीक है, उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है, बाई मार्च एंड ये प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसका कोई लोड नहीं है। उसके बाद और भी प्लेलिस्ट आने वाली हैं, इन क्यू हैं वो सारी। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट तो अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो न्यूटन स्कूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूटन स्कूल इज बेसिकली हैविंग देयर फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम वेयर दे बेसिकली मेंटर यू फॉर द 6 मंथ, उसके बाद दे विल बी गाइडिंग यू फॉर द प्लेसमेंट, ठीक है। और दे हैव अ गुड कोलेबोरेशन विद वेरी गुड कंपनीज लाइक स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, बहुत अच्छी कंपनी साथ कोलेबोरेशन है, एंड दे आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। जो भी ट्रेनिंग आप लोगों को देंगे उसकी कोई भी फीस नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस यू गेट अ 5 LPA+ जॉब ऑफर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। और न्यूटन स्कूल का ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट इज ऑल्सो लाइव, ठीक है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी लाइव, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक करो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो दबा के। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं करा तो यार वो भी ज्वाइन कर लो जाके, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे नोट्स और सारी चीज़ें पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।